दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं वापो गे डेटिंग ऐप क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं और इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं और ये रियल ऐप है या फिर फेंक है। इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। और दोस्तों बता दें कि ये ऐप है, जैसे कि आप लोग वाला ऐप का नाम सुने होंगे, बिल्कुल उसी ऐप जैसा है। और ब्लू ऐप जैसे आप लोग यूज़ किए हो, सेम उसी ऐप जैसा है। ये बिल्कुल नया एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी पावरफुल और काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप यहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड चैट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो भी प्रोफाइल मिलेगा आपको वेरीफाइड प्रोफाइल फोटो मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल ही वेरीफाइड फोटो इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा ऐप है और इसका रेटिंग जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 4.0 का है और इसे 1 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है, जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो। और दोस्तों बता दें कि ये 18 प्लस ऐप है, आप लोग अगर बच्चे हो तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसे ओपन करना है फर्स्ट टाइम डाउनलोड करने के बाद। इसका डाउनलोड लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो वापो, तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, जैसे कि आप लाइव देख सकते हो। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो आपको यहां पर एक अकाउंट खोलना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो क्रिएट प्रोफाइल यहां पर कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको इस पर टैप करना है। जैसे इस पर टैप करोगे तो यहां पर आपको अपना पूरा फुल डिटेल्स भरना होगा। तो चलो हम आपको यहां पर डिटेल्स भर के दिखाते हैं, जैसे कि अपना नाम यहां पर कुछ भी रख देते हैं। यहां पर आप लोग अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको मर्जी हो वो आप रख सकते हो। उसके बाद आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, यहां पर जो भी आपको मन हो आप यहां पर लिख सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन है आप यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद आपका एज क्या है, आप अपना एज भी यहां पर डाल सकते हो। एज डालने के बाद आपको आपका हाइट पूछा जाएगा, तो आप अपना हाइट जो भी हो आप अपना हाइट डाल सकते हो। हाइट डालने के बाद आपको यहां पर आपका वेट पूछा जाएगा, तो आपका वेट जो भी हो आप यहां पर डाल सकते हो। वेट डालने के बाद यहां पर रोल का ऑप्शन आएगा, तो आप रोल यहां पर जो भी चाहते हो रख सकते हो, हम यहां पर इसे सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम ट्विटर आप इसे चाहते हो तो आप इसे भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी भी डालना होगा। तो चलो हम यहां पर ईमेल आईडी डाल लेते हैं, जैसे कि यहां पर देख सकते हो। उसके बाद यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहां पर जो न्यूमेरिक हो और यहां पर कुछ अल्फाबेटिकल सारा चीज लगा के ही पासवर्ड लगाना होगा, नहीं तो ये काम आप में नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर न्यूमेरिक के साथ ये पासवर्ड कुछ इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका टर्म कंडीशन है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा, जैसे कि देख सकते हो आप 18 साल ओल्ड हो तभी जाके इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जैसे आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आएगा। उसके बाद ये कुछ इसका टर्म कंडीशन आएगा, आपको यहाँ से इसे एक्सेप्ट करना होगा। जैसे एक्सेप्ट करोगे तो फिर से आपको एक्सेप्ट करने का आएगा इसका टर्म कंडीशन। उसके बाद आपकी लोकेशन का परमिशन आएगा, तो आपको यहाँ से अपने लोकेशन का परमिशन दे देना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट इसमें काफी आसानी से बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो परमिशन आएगा, तो आप यहाँ से अपना लोकेशन का परमिशन दे दो, फिर से बैक आ जाओ और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को काफी आसानी से यूज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद आपके आसपास में जितने लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारा प्रोफाइल, आपको ये जितना प्रोफाइल आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल ही वेरीफाइड फोटो लगाया गया है, जिसमें कोई भी फेक फोटो नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो अपने प्रोफाइल में एडिट करना तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इसमें अपना जो चीज चाहते हो एडिट करना है एडिट कर सकते हो, आप यहाँ पर टोटल चीज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करके आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अपना एडिट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फोटो लगाना चाहते हो, थीम लगाना चाहते हो, तो आप यहां पर क्लिक करके आप अपना फोटो लगा सकते हो, 5-6 फोटो लगा सकते हो। यहां पर 5-6 फोटो लगाने का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हमें फोटो कुछ भी नहीं लगाना है, आप देख सकते हो। आप जो चीज एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, या फिर आप यहां पर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर का आप चाहते हो लिंक करना तो आप यहां पर ऐड कर सकते हो काफी आसानी से। तो इस एप्लीकेशन को ऐसे आप लोग काफी आसानी से यूज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये बिल्कुल रियल ऐप है, इसमें कोई फेक ऐप नहीं है। तो आप देख सकते हो आपका यहां पर प्रोफाइल शो हो जाएगा। चलो हम यहां पर प्रोफाइल में कुछ छेड़खानी नहीं करना है मुझे। उसके बाद हम आपको ओपन करके किसी का प्रोफाइल यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी सारा प्रोफाइल आपको बिल्कुल ही वेरीफाइड प्रोफाइल आपको दिख रहा होगा। चलिए हम किसी के प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अगर इन लोग के साथ आप चैट करना चाहते हो तो यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ से हाय हेलो जो भी चाहते हो भेजना तो आप यहाँ से भेज सकते हो काफी आसानी से। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पर हाय भेज दिया और यहाँ पर हाय का एक टिक लग चुका है, यानी कि ये हाय मैसेज चला गया है। उसके बाद ये आप प्रोफाइल में जाकर इनके बारे में देख सकते हो, इनका कितना एज है और इनका क्या हाइट है। यहाँ पर टोटल चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल चीज लिखा गया और ये आपसे कितने दूरी पे है, 1327 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग ऐसे जाके बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता होगा कि अगर इसमें अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट डिलीट होता है या फिर नहीं, तो हम आपको वो भी बताते हैं कि इसमें आप अकाउंट बनाने के बाद काफी आसानी से अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो 3 लाइन दिख रहा है ऊपर में, आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर की ओर यहाँ पर
स्क्रॉल करना है एडिट वाले सेशन पे। एडिट वाले सेशन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पर डिलीट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हो इसे डिलीट करना परमानेंटली तो आप लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो चलो हम अपना अकाउंट यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इस अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट मेरा काफ़ी आसानी से डिलीट भी हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप लोग वापो ऐप को यूज कर सकते हो, अगर आपको यूज करना हो तो आप लोग कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये छोटी सी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दो ताकि हम कोई वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।